आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको थ्रस्टर ब्रेक की सेटिंग। और ये जो थ्रस्टर ब्रेक जो देख रहे हैं आप, ये थ्रस्टर ब्रेक है 23/5 kg वाला। जो 23 वाले जो नए मॉडल के थ्रस्टर हैं वो इस टाइप के हैं। और जब भी आपको थ्रस्टर मिले तो कैसे आपको सेटिंग करनी है। अभी ये जो ब्रेक है, और जितनी भी ब्रेकों की सेटिंग होती है वो बंद अवस्था बंद कंडीशनों में ही होती है। जैसे कि अभी ये फिलहाल बंद है ट्रेन और ये अभी लूज है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है देखने को मिलते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप सेटिंग करें तो इस टाइप से लूज रहे थ्रस्टर, अब एक एक करके करना है। सबसे पहले ये मेन रॉड होती है, इसको हाथ से इस तरीके से टाइट करना है, ये लूज रखो। जब ये लूज रहेंगे इस तरीके से टाइट करना है। ये फुल टाइट करने के बाद ये टाइट होगा, इसके बाद इसको लॉक कर दें। और सारी ब्रेक को जब भी सेटिंग कर रहे हैं पूरा हाथ से ही करना है, पहला सबसे पहला ये। दूसरा होता है स्प्रिंग लोड। ये लोड, ये स्प्रिंग का एक लोड होता है, ये हम तब यूज करते हैं। इस स्प्रिंग का लोड तब बढ़ाना चाहिए जब हमारी ब्रेक टाइम पर ना लग रही हो, यानी कि लोड हमारा ब्रेक लगने के बाद जैसे हम कमांड छोड़ते हैं उसके बाद अगर नीचे स्लाइड होता है तो लोड बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज ये जो कैप है इस कैप को सबसे पहले टाइट करते हैं, और कैप के साथ एक जस्ट नीचे बोल्ट है उसको इसके साथ टाइट कर देना है, फिक्स हो गए ये दोनों। इसके बाद इसमें दो नीचे नट लगे हुए हैं, इन दोनों को ऊपर की तरफ लाके फ्रेम को टाइट करना है इस तरीके से। ये और इसके जस्ट नीचे वाला आना है, ये दोनों को फिर मैच करना है। सभी में डबल नट इसलिए है लॉक नट के लिए, ताकि लॉक कर सके वाइब्रेशन होने वाले टाइम पे, जब ब्रेक चलता है वाइब्रेट करता है तो ये खुले ना। ये लॉक कर देना है, फिर स्पैनर से इसको नीचे वाले को टाइट कर देना है। ये जो नीचे वाला है ऊपर आने के बाद सबसे पहले ये, फिर ये, फिर फ्रेम हो गया, उसके बाद एक नट हो गया, और फिर लास्ट नट। इनको अब यहाँ पे लॉक कर देना है और स्पैनर से टाइट कर देना है। इसके बाद आती है बात, जब हमारा ब्रेक शू एक साइड से घिस रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपका ऊपर से नीचे से घिस रहा है, ऊपर से नहीं घिस रहा है, या ऊपर से घिस रहा है नीचे से नहीं घिस रहा है, जब हमारा आधा एक शू आधा घिसता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ये यहाँ पे एक बोल्ट होता है ये वाला, ऊपर से या नीचे से जब भी ब्रेक लगती है तो आपको ये एडजस्ट करना है इस वाले बोल्ट को। और ये लॉक है, इसको लॉक कर देना है इसके साथ में। सेम एक इधर होता है, बंद कंडीशन में इसकी भी यही सेटिंग करनी है आपको, और इसको लॉक कर देना है। अब क्या होता है, तीसरी जो प्रॉब्लम आएगी आपको कि एक शू, ये वाला शू इसको स्ट्राइक कर रहा है, टच हो रहा है इससे, और इस वाले में गैप आ रहा है, ये पीछे की तरफ हट रहा है। जैसे ब्रेक खुलती है तो खुलने वाले टाइम पर एक शू हट जाता है, गैप कर देता है ड्रम से, दूसरा वाला हमेशा उसके टच में रहता है और उससे ये ड्रम गर्म होता है। वो कंडीशन इसलिए आती है, उसमें क्या होता है, ये नीचे वाले बोल्ट होते हैं, ये नीचे नीचे बिल्कुल ये, इन बोल्टों को आप दोनों को टच कर दो, ये टच कर दो, और इसके साथ ये छोटे छोटे लॉक नट हैं, इन लॉक को नीचे की तरफ ला के टाइट कर दो। इसको यहाँ पे, ये ऊपर स्ट्राइक कर चुका है, इसका हेड बोल्ट का हेड ऊपर स्ट्राइक किया हुआ है, और नीचे ये नट को यहाँ पे लाके टाइट कर दिया। सेम ऐसे ही इधर वाला करना है आपको, दोनों कर दिए। जब ये दोनों नीचे वाले सबसे ये हो गए, ये वाले हो गए, ये मेन बोल्ट होता है ये टाइट हो गया, और ये स्प्रिंग का लोड टाइट हो गया। अब ये पूरी ब्रेक की पूरी कंप्लीट सेटिंग हो गई है। जब भी आप जितने भी टन वेट उठाओगे, अब क्या करना था, जैसे ही अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई,
कंप्लीट होने के बाद जब ये हमने टाइट किया था, ये हाथ से पूरा कंप्लीट टाइट है। अब क्या करना है, पीछे से ये यहाँ से उठा, ये पीछे से हल्का सा ऐसे उठा के रखना है और एक राउंड ये वाला एक राउंड ऐसे घुमा देना है बस, और छोड़ दो पीछे। ये छोड़ने के बाद फिर इसको लॉक कर देना है स्पैनर से, डी स्पैनर से इसको बिल्कुल लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आप पीछे देखोगे तो इसमें 5 से 10 mm का गैप, ये जो गैप देख रहे हो पिस्टन के अंदर, ये 5 से 10 mm, 5-7 mm का गैप रखना है यहाँ पे। जब ये गैप कंप्लीट होगा, अगर ये गैप बढ़ेगा तो, अगर आप ज़्यादा गैप इसका बढ़ाते हो तो इसका लोड हमेशा इस पर बना रहेगा। तो ये गैप 5-7 mm पीछे से क्लियरेंस रखना है और इस तरीके से इसकी सेटिंग होगी। ट्रांसफार्मर ऑयल आता है यहाँ से, आप निकाल सकते हो, ये डाल सकते हो, और यहाँ नीचे इनलेट होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। 1.25 लीटर ऑयल आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। थैंक यू।